फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं डीओई की ऑफिशियल वेबसाइट को इस समय पर हम विजिट कर रहे हैं। आज डेट है 17 नवंबर 2022 और फ्रेंड्स आज यहां पर बहुत बड़ी अपडेट आज रिलीज की गई है डीओई के द्वारा। आपकी DSSSB की रिक्रूटमेंट की कई सारी अपडेट आज निकल कर सामने आ रही है। तो आइए फ्रेंड्स, अपडेट को हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, पब्लिक सर्कुलर वाले इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं तो इस तरह हमारा ये पेज यहाँ ओपन हो जाता है। पब्लिक सर्कुलर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कई सारी अपडेट जारी की गई हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी अपडेट आई हुई है। आज की ही डेट में यहाँ पर काफी कुछ नया आपको देखने को मिलने वाला है। और बड़ी खुशखबरी हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर कैंसिलेशन के ऑर्डर भी जारी किए गए हैं, प्लस आपके बहुत सारे मेमोरेंडम यहाँ जारी किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेमोरेंडम जारी किए गए हैं। PGT संस्कृत फीमेल की पोस्ट कोड के लिए 55/21 पोस्ट कोड है, जिसके 250 मेमोरेंडम अभी जारी किए गए हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर TGT सोशल साइंस 39/21 पोस्ट कोड के लिए भी मेमोरेंडम जारी किए गए, कुछ अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी जारी किए गए हैं। तो आइए एक एक करके अपडेट को हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल जस्ट अभी की लेटेस्ट अपडेट है 17 नवंबर 2022 और ऑर्डर ये यहाँ पर जारी किया गया है कैंसिलेशन के रिगार्डिंग। कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। PGT इकोनॉमिक्स मेल पोस्ट कोड है 66/20। तो इस पोस्ट कोड के रिगार्डिंग कुछ कैंडिडेट के यहाँ पर कैंसिलेशन किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये गुड न्यूज रहेगी जो अभी वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, जिनकी वेटिंग लिस्ट का अभी टाइम रहता है, वैलिडिटी रहती है, तो उनके लिए यहाँ पर काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। क्योंकि जो भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं तो उनके सिलेक्शन के 100% यहाँ चांस रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट का नेम बता दिया गया है, रोल नंबर आपका बता दिया गया है, और आपकी देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि इनकी जो फोटोग्राफ है जो अवेलेबल थी तो वो ईडोजियर में इन कैंडिडेट की मैच नहीं हुई थी। जो एक्चुअल कैंडिडेट है हु अपीयर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अपीयर हुए थे, एंड देयर आफ्टर द कैंडिडेट नेवर कम्युनिकेटेड विद दिस ऑफिस, और इसके बाद से कभी भी इस कैंडिडेट ने ऑफिस में कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया है, कोई क्लेम नहीं किया है फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इकोनॉमिक्स मेल पोस्ट कोड 66/20। तो इसलिए फ्रेंड्स, इनका जो ईडोजियर है वो अब DSSSB को रिटर्न कर दिया गया है और इनका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया गया है। और ऑर्डर को आप स्क्रॉल करके देखिएगा तो यहाँ पर आपको और भी कैंडिडेट नजर आएंगे जिनके की यहाँ कैंसिलेशन के ऑर्डर जारी किए गए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो कैंडिडेट है ये अनेबल है टू ज्वाइन द पोस्ट ऑफ PGT इकोनॉमिक्स, पोस्ट कोड है 66/20। तो यहाँ पर इनका भी जो डोजियर है वो भी DSSSB को रिटर्न कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है। जिन कैंडिडेट को इंतजार था अपने मेमोरेंडम्स के लिए, क्योंकि आप लोगों की बार बार क्वेरी जा रही थी कि मैम हमारे मेमोरेंडम कब तक जारी किए जाएंगे, तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 625 तक जो कैंडिडेट है उनके यहाँ मेमोरेंडम जारी किए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं आज की ही लेटेस्ट अपडेट है, जस्ट अभी इस नोटिस को जारी किया गया, ऑर्डर को जारी किया गया है। TGT संस्कृत फीमेल 2021 की रिक्रूटमेंट है ये, 55/21 पोस्ट कोड की यहाँ बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, कैंडिडेट का नेम, रोल नंबर, आपकी पोस्ट, पोस्ट का पे स्केल, ग्रेड पे, ये सब कुछ बता दिया गया है। टर्म और कंडीशंस आपकी यहाँ बता दी गई है और सारी कॉलम्स को आपको अच्छे से चेक करना है। बिल्कुल इनको थोरोली आप चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके जो सारे पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर कॉलम में सेल्फ डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं। 90 नंबर कॉलम में आपका वेन्यू दिया गया है, किस जगह पर आपका DV कंडक्ट किया जाएगा, कौन सी डेट में किया जाएगा, किस समय पर किया जाएगा। तो 22 नवम्बर 2022 आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सुबह के 10:30 पर आपका DV का टाइम रखा गया है। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं फ्रेंड्स जो कि आपको DV के दौरान बिल्कुल मस्ट रिक्वायर्ड रहेंगे। और एक यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है NCT का सर्टिफिकेट, इसके बगैर आपका DV यहाँ पर बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाता है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसे बाई हैंड भी द्वारका दिल्ली ऑफिस से जाकर लेकर आ सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका 3-4 दिन
दिन में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 7 अंडरटेकिंग्स हैं जो कि आपको जरूर लेकर जानी होती है, सबमिट करनी होती है। और ये वेबसाइट आपकी बता दी गई है, इस पर हर एक अपडेट आपको दे दी जाती है DOE के द्वारा। यूजर डिपार्टमेंट की हर अपडेट आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे, तो रेगुलर इसको विजिट करते रहिएगा। और कोई भी नोटिस या ऑर्डर है तो उसको स्क्रॉल करके जरूर आपको देखना है फ्रेंड्स। हो सकता है आपका भी नेम यहाँ मेंशन किया गया हो, आपका भी मेमोरेंडम जारी किया गया हो। तो फ्रेंड्स, आप सभी को कांग्रेचुलेशंस एंड गुड लक, बेस्ट विशेस। अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अच्छे से सक्सेसफुली कराइएगा। और आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट नोटिस को हम चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए गए हैं फ्रेंड्स। ये कैंडिडेट के नेम यहाँ बता दिए गए हैं, एम्प्लॉई नेम, पोस्ट है TGT संस्कृत, डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ बता दी गई है, कैटेगरी यहाँ इस कॉलम में रहेगी, कहाँ पोस्टिंग हुई है ये इस कॉलम में यहाँ आपको बता दिया गया है, जिस भी स्कूल में आपकी पोस्टिंग की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टेड किया गया है 17 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट करने के लिए, जो भी आपके रिस्पेक्टिव प्लेस हैं पोस्टिंग के, यानी इन प्लेस पर आपको रिपोर्ट करनी है जाकर के। 17 दिसंबर 2022 का आपका समय दिया गया है। अगर आप रिपोर्ट करने में फेल रहते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा विदाउट एनी फर्दर कम्युनिकेशन। और फ्रेंड्स, ये वैकेंसीज हैं 03/21 आपकी एडवर्टीजमेंट है, और TGT संस्कृत मेल जो पोस्ट कोड है 54/21 उसके ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए गए हैं, जो कि एक बड़ी खुशी की बात है आप सभी के लिए, क्योंकि आपकी जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो आप यहाँ बिल्कुल फास्ट मोड में आ चुकी है। मेमोरेंडम्स जारी किए जा रहे हैं, आज ही TGT संस्कृत फीमेल के भी काफी सारे मेमोरेंडम जारी किए गए हैं, और इधर आप लोगों के अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, 2021 की जो रिक्रूटमेंट है उसकी प्रोसेस अब एक्टिव मोड में आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी डेट का यहाँ ध्यान रखिएगा और अपनी रिपोर्ट जरूर कर दीजिएगा जिस भी स्कूल में आपको बताया गया है पोस्टिंग प्लेस पर। और आइए नेक्स्ट नोटिस को हम चेक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये नोटिस आप देख सकते हैं, ये TGT सोशल साइंस मेल के रिगार्डिंग 39/21 पोस्ट कोड है, इसके मेमोरेंडम जारी किए गए हैं। कैंडिडेट का नेम आप यहाँ देख पाएंगे, आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो पोस्ट है उसका पे स्केल ग्रेड पे, ये सब बता दिया गया है। टर्म और कंडीशन आपकी बता दी गई है, बाकी सारी चीजें इसी तरह से फ्रेंड्स आपको फॉलो करनी है जो कि पहली वीडियोस में या पहले नोटिस में हमने आपको बताया है, सेम चीजें यहाँ भी रहेंगी। बस आपको मेमोरेंडम्स को स्क्रोल करके देखना है, हो सकता है आपका भी मेमोरेंडम जारी किया गया हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट जारी की गई थी वो सब हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, और इससे पहले के ये जो नोटिस है इनकी अपडेट चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आपसे रिलेटेड है तो आप उनको देख सकते हैं, किस तरह से क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन कराना है, आपका वेरिफिकेशन किस तरह से आप सक्सेसफुली करा पाएंगे, तो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हमने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।